कंसिस्टेंटली बहुत फॉलो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक ने उस पेमेंट प्लान के तहत जो है वो तकरीबन 12 बिलियन रुपीस इन एरियर्स एसजीसी को पे भी किए, और इसके अलावा हमारा जो लॉन्ग टर्म जीएसए, क्योंकि ये पेमेंट प्लान है ये जो है वो एनुअली होता है, बट हम लॉन्ग टर्म जीएसए के लिए डिस्कशन कर रहे हैं और एसजीसी के साथ इंशाल्लाह वेरी सून इट विल बी कंक्लूडेड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उस डिस्कशन में इन्वॉल्व है एंड वी विल कंक्लूड दिस जीएसए वेरी सून। इसके अलावा सर इम्पोर्टेंटली मैं ये बताना चाहूंगा कि ईसीसी की एलोकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ईसीसी ने 2007-08 में ये एलोकेशन की थी जिसमें कि इलेक्ट्रिक के पास एलोकेटेड क्वांटिटी 276 MMCFD की है, तो एसएचजीसी 276 MMCFD देनी चाहिए, बट ड्यू टू रिसोर्सेज इशू, गैस सप्लाई इशू, वो हमें जो है वो पेमेंट प्लान के तहत तकरीबन 180 MMCFD एनुअल एवरेज देते हैं। बट लॉन्ग टर्म जीएसए विल कंक्लूड इंशाल्लाह वेरी सून। फ्यूचर हम जो है वो फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन पे भी जा रहे हैं, और हम अगर आप देखें आगे जो प्लांट्स हम लगा रहे हैं वो कोल पे लग रहे हैं, एलएनजी पे लग रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग ऑन द फ्यूल मिक्स। सर इसमें सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, पेमेंट प्लान इनका एग्रीमेंट उनके साथ है, लेकिन जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया ही नहीं। वो कहते रहते हैं 50,000 रुपए इन्होंने उनका देना है और सिर्फ पेमेंट प्लान बढ़ा दिया, और जो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई का है वो नहीं बढ़ा, ये सबसे पहली बात। दूसरा ये जो कहते हैं कि हमारा इतनी गैस हमें एलोकेट हुई थी, एलोकेट नहीं हुई थी, वो प्रपोजल था, ये बार बार कहते हैं एलोकेट हुई थी, वो प्रपोजल था और वो प्रपोजल में कोई ऑर्डर नहीं हुआ, और उसका बेस बना के जो उनको पेमेंट नहीं करते और कहते हैं जी हमें उतनी गैस दोगे तो हम पेमेंट करेंगे, जो हमें आप कह रहे हैं इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये गैस सप्लाई एग्रीमेंट हो जाए ताकि ये एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए। सर इन्हीं के सवाल का छोटा जो इन्होंने कराया बिल्कुल सेट किया है, इससे यस या नो लीजिएगा, ये पेमेंट प्लान एग्रीमेंट है यस या नो ये बोले, क्योंकि ये नेम में जाएगा, ये पेमेंट प्लांट एग्रीमेंट है सर। मैं सर नहीं नहीं इसमें नहीं कीजिएगा, मैं यस नो कर रहा हूँ, सिंपल पेमेंट प्लांट एग्रीमेंट है बस, ये ही नहीं की सवाल का मैं सिर्फ कर रहा हूँ सर, क्यों एक मिनट नहीं ठहरूंगा, ये कौमी अवामी वो मफाद का मामला है, इसमें मैं यस या नो जरूर लूंगा कि वो पेमेंट प्लान है, ये तो नैब में देना है सर, मैं बैठा हूँ उधर ही, क्यों वो यस या नो बोले, वो पेमेंट प्लांट एग्रीमेंट है सिर्फ, वो जो पिछली पेमेंट है यस या नो, इससे ज्यादा नहीं पूछ रहा सर। ये जैसे मजहर साहब ने कहा कि लॉन्ग टर्म जीएसए, बिल्कुल मैंने भी वजात की कि हमारा लॉन्ग टर्म जीएसए पे हम बिल्कुल चाहते हैं इसको होना चाहिए, क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ के इलेक्ट्रिक के एक लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और हम पिछले 2-3 साल से इसके ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो एसएससी के साथ डिस्कशन में है। जो इशू है उसके अंदर वो है मार्कअप से रिलेटेड, क्योंकि उनका एक वे है, उनका ये है कि मार्कअप रेजोल्यूशन भी होना चाहिए, सो उसकी वजह से ये जीएसए की जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा डिले हो रही है, बट नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन अप दिस इशू, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, हम भी चाहते हैं, एसएससी भी चाहती है, तो ये इंशाल्लाह इस जीएसए लॉन्ग टर्म जीएसए को बहुत जल्दी कंक्लूड कर लिया जाएगा। आप जीएसए पे नहीं चल रहे थे क्या कर रहे हो सर, ये सर सवाल है सर, इससे 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 आपने सवाल करा है, मैं तो यही कर रहा हूँ ना जीएसए सप्लाई एग्रीमेंट। अरे सर मैं तो मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, मैं आगे यह सर ये गलत है, आप बचा रहे हैं सर उसको, ये आप उनको बचा रहे हैं, ये गलत है, मैंने सवाल किया और बिल्कुल स्पेसिफाई और छोटा कि हर सवाल के बाद आप 6 सवाल शुरू कर रहे हैं। मैं 6 सवाल नहीं, 1 सवाल किया, जस्ट रिलैक्स और उनको भी मौका दे सर। देखिए मौके की बात नहीं है, मैं सिर्फ यस और नो पूछ रहा हूँ, आप देते ही नहीं है, अब सवाल उनको देने देना सर, वो यस यस का तो देना है, ये